नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी। रायबरेली के एक छात्र ने ऐसा कर दिखाया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। दरअसल दसवीं के एक छात्र ने अनोखा चश्मा बनाया है जिसकी सहायता से दृष्टिहीन इंसान चेहरा पहचानने के अलावे किताबें देख और पढ़ सकते हैं। हाईटेक चश्मा बनाने वाले छात्र नैतिक श्रीवास्तव का कहना है कि अपने गांव में एक दृष्टिहीन की परेशानी को देखने के बाद इस तरह के आविष्कार की जिज्ञासा हुई, जिसके निर्माण में विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक शिवांग अवस्थी व विज्ञान के अध्यापक सुलेमान सिद्दकी का विशेष सहयोग रहा है। बता दें कि छात्र के इस अनोखे आविष्कार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित भी किया है। आविष्कार करने वाले छात्र के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में एक कैमरा, 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर, 1 प्रोसेसर, 1 माइक्रोचिप व 1 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। इसकी खास बात है कि इसमें जितने लोगों के आंकड़े सुरक्षित किए जाएंगे उन्हीं पर यह चश्मा संकेत देगा। बहरहाल छात्र और विद्यालय प्रबंधन को उम्मीद है कि उसके इस नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद दृष्टिहीनों को नई जिंदगी जीने का सहारा मिल सकेगा। क्या किया आपने, क्या बनाया? ग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पीपल। मतलब इससे होता क्या है कि जितने भी जो लोग जिनको नहीं दिखता है तो उनकी लाइफ आसान करने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास था। इसमें हमने यूज़ किया है अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है, कैमरा यूज़ किया है और एक कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ किया है जिसका नाम है रास्पबेरी पीआई। और इसमें करता क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर है। तो अगर कोई इंसान जा रहा है और सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक रेज, और अल्ट्रासोनिक रेंज ट्रांसमिट करके वेव्स का नेचर होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, चाहे लाइट वेव्स हों कोई भी वेव्स हों, वो रिफ्लेक्ट होती हैं सामने से। तो वो जाके रिफ्लेक्ट होती हैं, उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर में 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। रिसीवर वो रिसीव करता है और प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन का प्रोग्राम था अल्ट्रासोनिक सेंसर का, पाइथन का प्रोग्राम जिसमें वो पूरा होता है कि हाँ डिस्टेंस और स्पीड फॉर्मूला से वो डिस्टेंस पता करता है कितनी डिस्टेंस है बीच में। और इसीलिए वो जब भी अगर कोई भी चीज़ 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो वो बता देता है, उसको वार्न कर देता है इंसान को कि हाँ आपके सामने कुछ है। तो उससे फिर वो जो भी जिसको नहीं दिखता है वो रुक सकता है और अपने आप को इससे बचा सकता है। तो और कहाँ पर आप पढ़ते हैं? सर, न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल। किस क्लास में हैं आप? सर, 10th। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हसनपुर। क्या नाम है आपके पिताजी का? मिस्टर मार्तन श्रीवास्तव। ये सोच कहाँ से आपको उत्पन्न हुई? ये सोच दरअसल हुआ क्या था कि इंस्पायर अवार्ड का स्कूल में इंस्पायर अवार्ड की स्कीम आई थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। वो चश्मा पहन रखा है उस नेत्रहीन इंसान ने, तो ये जब कैमरा उस डॉक्यूमेंट पर पड़ेगा तो कैमरा पूरा डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लेकर वो इस कंप्यूटिंग डिवाइस में भेजेगा। कंप्यूटिंग डिवाइस क्या करेगी, पूरा रिकग्नाइज करेगी, एक एक लेटर्स वर्ड्स रिकग्नाइज करेगी और उसको फिर ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजेगी ईयरफोन के थ्रू उस इंसान के पास, जिससे वो पूरा टेक्स्ट भी पढ़ सकेगा। कितना समय लगा आपको इसमें? तो 2 से 2.5 महीना। कौन कौन आपके सहयोग में था? सर, सहयोग में टीचर्स थे स्कूल के और से प्रोत्साहन कहीं से मिला आपको इसका, इसका प्रोत्साहन मतलब सराहना की किसी ने? मोटिवेशन हाँ, टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया इसमें। और अभी इंस्पायर अवार्ड का जो था प्रोजेक्ट, तो इंस्पायर अवार्ड में गया तो उसमें भी प्राइज़ मिला। किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और प्रिंसिपल सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया इसके लिए कि, और बाकी टीचर्स शिवांग सर, सुलेमान सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है।